कहना चाहेंगे सर आप इस प्रकरण के बारे में? मैं बोल रहा हूँ कि नीटू जी और इनके दो दोस्त और होशियार सिंह जी और सुरीत जी तीन बार आगे यहाँ फैसला कर चुके हैं, इनको समझा दिया, इन्होंने बोला आगे कि आज के बाद कभी भी ऐसी कंप्लेंट नहीं आएगी। एक बार आए फिर मतलब कुछ टाइम बाद फिर प्रॉब्लम आई, दोबारा फिर आए, फिर समझा के चले गए, तीसरी बार फिर आए। इन्होंने सोचा कि ये गरीब आदमी है, कोई एक्शन तो लेगा नहीं, आता है समझाता है और चल जाता है। इन्होंने इसी का नजायज फ़ायदा उठाया और घर में पेट्रोल लेके पूरे प्री प्लान से बच्चे को और उस लड़की को हमारी को मार दिया, और वो तो उसी टाइम लड़की तो मर गई, बच्चा भी मरने की पोजीशन में है। बाकी इनका जो जुगेश कुमार है बिल्कुल ठीक है, वो 10 या 15% लापसी लगी है उसको, सिर्फ जो पट्टी वगैरह है ठंड हमने टांडा में देखा, बिल्कुल ठीक है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसकी मेरे पास स्नैप्स है, लड़की की मेरे पास स्नैप्स है, बिल्कुल ठीक है। वो 2-3 दिन 4 दिन में जैसे सर पहले लड़की ने बताया होगा आपको तंग करते हैं मारपीट करते हैं, तो उससे पहले कहाँ आपने शिकायत की कहीं पे? नहीं, इनकी इन्होंने नीटू जी ने कोई, बिल्कुल गरीब आदमी है तो इन्होंने सोचा कि ऐसे ही सेट हो जाएगा तो ठीक है, क्योंकि आजकल के ज़माने में लड़कियों को घर में बिठाना और स्पेशली हमारे जो हिंदू समाज है उसमें उचित नहीं समझा जाता है ना। और ये लोग क्या करते हैं, डेली ये मार पिटाई किया करते थे और उस दिन पेट्रोल घर में रखा हुआ था, और इन्होंने पूरे प्लांट वे में से एक मतलब पूरा संयोजित ढंग से, बिल्कुल संयोजित ढंग से पूरी इन्होंने पूरी उसको मारने की भी तैयार की थी। और शाम उस दिन बंदे ने पूरा दिन उस दारू पी, मटन खाया, जो कुछ किया, पार्टी की, और रात को उस लड़की को पूरा उसने पेट्रोल डाला, और जैसे ही मैच स्टिक उसने लगाई उससे जो फ्यूम निकले वो उसको खुद को इफेक्ट हुआ है उस मैच स्टिक से, अदरवाइज ही इज़ ऑल राइट। पूरी रोज फोन करना थे, पहले एक बार फोन कर लेने, दो बार कर लेने, तीन बार कर लेने, इन्हें तोड़ी ना लपाई ना फोन, पर देना फोन फिर बाप नाल गल नहीं कर रहा, ये सिर्फ दाज वास्ते और इस वास्ते तंग कर दे। फिर इन्होंने पुराने नाल किया, फिर अभी कुछ 6 महीने पहले आए, कुड़ी बोला भी बहुत तंग किया था, अभी आए 3-4 बंदे अजय फिर गल की, बोले जी अपनी मारकुट करेंगे। उसके बाद फिर कुड़ी फोन आना, कोई चोरी है, कोई कुछ दे फोन करना पे, कोई कुछ दे फोन करना पे जी मारकुट कर रहे हैं। अजय फिर समझा लगे आने पर चल पे, अजय गल सुधर गए जी, और इसलिए भाई पराने करने पे पटोल रखने पटोल करने फूकी पे जान बुझ के। हाँ जी सर, ये नगरोटा गाजियां भोरंज में जो सर प्रकरण हुआ है इसके बारे में क्या आपके पास शिकायत आई है सर? देखिए 13 और 14 की रात को 12 बजे के बाद एक इन्फॉर्मेशन थाने में आई थी, हॉस्पिटल में नगरोटा गाजियां से योगेश, उसकी वाइफ शिल्पा और बच्चा कोई दाखिल हुए हैं, अगर ट्रीटमेंट है बर्न केस है, इस पर हमारा आईओ वहाँ गया और आईओ ने वहाँ जाके दफ्तर किया, अंडर रेलिवेंट सेक्शन ऑफ लॉ एंड इन्वेस्टिगेशन। सर इसमें प्रथम दृष्टया क्या लग रहा है सर, ये आत्महत्या है या हत्या का प्रयास हुआ सर? देखिए स्टेज पे अभी कहना कुछ ठीक नहीं है, जो भी आईपीसी की धाराएँ जो रेलिवेंट सेक्शन है उनके अच्छे से इन्वेस्टिगेशन की जा रही है, जो भी काफी ट्रायल हुए हैं उनके भी मिले हैं, और जो भी होगा उस हिसाब से नौ के साथ। क्या किसी को अभी गिरफ्तार भी किया गया इस मामले में सर, या अभी जांच? अभी उसका हस्बैंड ऑलरेडी वहाँ दाखिल है, मृतका का शिल्पा का टाटा में दाखिल है, ट्रीटमेंट है, और जैसे वहाँ से डिस्चार्ज होता है और बनाए गए हैं उनके बारे में, तारीफ होती है।